धूम लगी रहती है। आपने बहुत तरह के गणपति देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे सीयूर के जो स्टेशन है उसके नीचे मॉल है, और वहाँ पे मैं आपको एक अलग सा गणपति दिखाना चाहूँगी। ये जो है रिलायंस का डिजिटल है, आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी कि रिलायंस का शोरूम है, ये देख सकते हैं आप, ये रिलायंस का शोरूम है। और इस शोरूम में आप ये भी, आपको ये दिखाई मिलेगा, एक मिनट में ये कैमरा पर्सन को ये कहूँगी, ये जो गणपति है ऑब्वियसली एक यूनिक टाइप का गणपति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं गणपति बप्पा तो विराजमान होते ही है महाराष्ट्र में, लेकिन ये गणपति बाबा इतने यूनिक है जिसका कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो भी क्रिएटिविटी है, मैं अभी जो जिनके दिमाग में ये आया कि हमें जो है इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि जो भी स्टोर्स में जो भी सामान है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं पैर दिखाऊं गणपति बप्पा की, वो आयरन से बनाया गया है। माउस, यानी कि जो हम लोग ये रहते हैं गणपति बप्पा का जो सवारी है मूस रेट, वो आपको माउस रखा गया। ये दो पैर आपको देख सकते हैं, ये केटली से बनाया गया, और ये वैक्यूम क्लीनर है, हम लोग साफ सफाई के लिए जो यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर से पूरा बॉडी और उनका जो सूर है, वो सूर जो है उससे बनाया गया। साइड्स में डेकोरेशन किया गया है, आपका स्पीकर रखा हुआ है, और बकायदा जो है एक फेस फोटो लगाया गया है, बकायदा हमें जो है एक मूर्ति रखा गया है। ये अपने आप में एक मिसाल कह रहा है कि क्रिएटिविटी जो है वो महाराष्ट्र में आपको किस तरह से देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली आप इसको देखेंगे तो एक अलग सा फीलिंग्स आता है कि हाँ, गणपति बप्पा तो विराजमान होते ही हैं, बट इस तरह के गणपति बप्पा मैंने तो इतने सालों में पहली बार देखा है। और ये कान भी अगर आप देखेंगे, मैंने एक भूल गई थी, ये कान है, कान भी को भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे आयरन है, हम जो इस्त्री लगा करते हैं उस इस्त्री से उनका कान बनाया गया है। ये अपने आप में एक जो है बहुत ही क्रिएटिविटी। सर, योर गुड नेम प्लीज। राकेश वाघ। यू कैन हैव टू कैन ये यहाँ पे मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि सर, ये गणपति बप्पा, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में गणपति का धूम है, लेकिन ये दिमाग में कैसे आया कि हर कोई जो है मिट्टी का गणपति, अलग अलग डिफरेंट गणपति बनाते हैं अलग अलग, लेकिन आप लोगों ने पूरा जो घर में यूज करते हैं सामान उसी को लेकर के गणपति बना दिया? ये बेसिकली हमारा गणेश चतुर्थी का थीम है, और ये हमने पूरे होम अप्लायंसेस को लेकर किया है बेसिकली। तो आप हमारी कोई भी रिटेल स्टोर में जाओगे तो आपको सेम टाइप में अलग अलग इसके अप्लायंसेस के गणपति मिलेगा। तो बेसिकली पीपल गेट अट्रैक्ट, ये देख के मतलब बोलता है कि कैसे बना है, क्या बना है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो मेरे सारे जो डिजिटल अंदर जो मेरे सारे ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर प्रेजेंट, आपको सब दिखाई देंगे। मैंने वही देखा कि पैर जो है वो आयरन से बनाया गया है, माउस जो है वो ऑब्वियसली माउस है, और वैक्यूम क्लीनर को लेकर के आपने सूट, ये हमारी टीम है और टीम की क्रिएटिविटी है बेसिकली, पूरी पूरी टीम की क्रिएटिविटी है सर। और कितने दिन लगा ये बनाने? आप मानोगे नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये 3 घंटे का काम है, सबसे सोच के मिल के दिमाग लगा के 3 घंटे में पूरा किया है। 3 घंटे में ये सोच करके और दिमाग लगा के, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये क्रिएटिविटी आई डोंट हैव द वर्ड टू से, ऑब्वियसली थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का गणपति जो है मैंने खुद पहली बार देखा है, इतनी अच्छी लग रही है गणपति कि देखते ही बन रहा है। यानी कि घर में जो सामान यूज किया जाता है वो सारे सामान को लेकर के यहाँ पे गणपति बप्पा को विराजमान कर दिया गया है। इसको कहीं भी बाहर हमें बाहर के सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ी है, और बराबर से गणपति बप्पा जो है यहाँ पे विराजमान है। तो ये एक जो है शोरूम है, रिलायंस का डिजिटल शोरूम है, यहाँ पे आपको हर तरह की जो है चीज़ें मिलती है, सारे घर के जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल सामान जो है सारी यहाँ पे मिलती है। और ये क्रिएटिविटी ऑब्वियसली अपने आप में एक मिसाल है।